गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोनी मैम। टूडे आई विल टीच यू चैप्टर 4 हिस्ट्री द मुगल एम्पायर। बच्चों, ये मुगल जो है आपके भारत के तो थे नहीं, ये विदेशी थे, लेकिन इन्होंने भारत में आकर जो है इतने सालों तक शासन किया। और भारत को इन्होंने क्या किया, शासन नहीं किया, बल्कि भारत को, भारत में कई ऐसी इमारतें और कई ऐसी चीज़ें बनवाई, जो है ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, ठीक है, ये जो है बीबी का मकबरा हुआ, कई मस्जिदें हुई, ये सब इन्होंने बनवाया। और इस तो आइए इसके बारे में जानते हैं पहले कि मुग़ल थे कौन, पहले इनका क्या इतिहास रहा मुग़लों का, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, रूलिंग्स एज लार्ज अ टेरिटरी द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स विथ सच अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल्स एंड कल्चर वाज एन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टास्क फॉर एनी रूलर टू accomplish in the middle age। भारतीय महाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों पर संस्कृतियों की इतनी अधिक विविधता हो, शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था। मतलब यहाँ पे वो भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है, यहाँ विभिन्न जाति धर्मों के लोग रहते हैं, ऐसी विभिन्नताओं में किसी एक पर्टिकुलर शासक का शासन कर पाना बहुत कठिन। पूर्वजों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। मतलब छोटे समय के लिए कोई भी शासन कर सकता था, लेकिन लंबी अवधि तक कोई शासन कर ले, ये जो है सिर्फ मुग़लों ने किया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू कर दिया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने शासन के प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। ठीक है, मतलब जो उन्होंने प्रशासनिक नियम बनाए, शासन बनाए, वो उनकी मतलब उनका पतन हो गया तब भी वो बातें भारत में लागू रहीं। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में यानी उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सकते थे। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान जो ये आप दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं, ये मुग़लों की बनाई हुई, लाल किला मुग़लों का बनाया हुआ, यहीं से जो है क्या भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर क्या करते हैं, यहाँ से वो लाल किले पर झंडा आरोहण करते हैं और लोगों को संबोधित करते हैं। तो बच्चों, मुग़लों ने क्या किया, हाँ सिर्फ यहाँ पे आके शासन ही नहीं किया, हमारे लिए एक बहुत ही जो है जिसको आप कह सकते हैं इमारतों को भी छोड़ गए, ऐसी इम्पोर्टेंस इमारतों को छोड़ गए हैं जो हमें उन्होंने दे कर गए हैं। वो हु वेयर द मुगल्स, अब आपके मन में आता होगा कि मुग़ल थे कौन, जिनके बारे में इतनी तारीफ की जा रही है, जो इनके बारे में बताया जा रहा है, आखिर ये थे कौन। मुग़ल जो है दो महान शासक वंशों के वंशज थे, मतलब दो शासक, मतलब माता की ओर से जो मंगोल शासक चंगेज खां जो कि चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, मतलब माता की ओर से उसके जैसे जो आपका पहले बता दें बाबर जो है उसकी माता जो थी वो कौन थी, मंगोल चंगेज खां की बेटी थी, जो जो उनके पिता जो थे नाना, मतलब इसके बाबर के नाना, वो चीन और मध्य एशिया के भागों पर राज करते थे। पिता की ओर से वो ईरान, इराक, वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, मतलब माँ की ओर से तो मंगोल और पिता की ओर से क्या है वो तैमूर के वंशज थे। परंतु मुग़ल अपने को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। चंगेज खां कितना मतलब लोगों को हत्याएं किया था, तो वो नरसंहार किया था, तो उसको जो है वो लोग उन्हें पसंद नहीं था। यही स्मृतियाँ मुग़लों के प्रतियोगियों उज्बेगों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, मुग़लों के जो है थे वंशजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। देखिए आपका ये इसमें पिक्चर दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है ना,
तो इसमें तैमूर, उसके उत्तराधिकारी मुगल सम्राट का एक लघु चित्र है। ये कब का है? 1702 और से 12 तक के मध्य में तैमूर और उसकी दाहिनी और उसका पुत्र मीरन शाह, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा था, ठीक है, और उसके बाद अबू सैद बाबर के दादा, तैमूर की बाई और सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा और उमर से एक बाबर के पिता हैं, और तैमूर की दाहिनी और तीसरे चौथे पर पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां और उसकी दाई और उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब। मतलब इस तरह से इनको बैठा बना के चित्र दिखाया गया है कि बाबर के ये जो है ये दादा, उनके बाबर के फादर, ये सब लोग, उनके बच्चे, ये सब बैठे हुए हैं। इसी चित्र को दर्शाया गया है, इस चित्र में उनके पूरे वंशज को दर्शाया गया है, ठीक है, बाबर के, मुगलों के। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र एक को देखिए, जो तैमूर और मुगलों की समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। ये आपका पिक्चर एक जो है, इसमें तैमूर और उसके वंशज के वो इंडिकेट करता है। अब मुगल सैन्य अभियान, जो मुगल्स मिलिट्री कैंपेन, तो ये देखो जो कैंपेन इन्होंने चलाया था वो किस कैसा था। देखो, बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर, ये क्वेश्चन आता है, हुआ द फर्स्ट मुगल एम्परर, तो बाबर वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर। वो कब आया था? 1526 टू 1530, सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ द फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। जो वो 12 साल का था और जो है तब उसने क्या किया था, फरगना की राजो का उत्तराधिकारी हुआ था, मतलब उसको वहाँ पे थ्रोन, उसको वहाँ का राज सिंहासन उसको मिला था। मुगलों की दूसरी शाखा उज्बेगों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। उज्बेगों की से परेशान होकर उसने अपनी पैतृक गद्दी को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के, इब्राहिम लोदी को कब हराया, पानीपत के युद्ध में हराया और दिल्ली को, आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो ये बताइए, जो पानीपत का युद्ध है वो कब हुआ था? 1526 में। ये डेट आपको याद रखना है, और किसके किसके बीच हुआ था ये, और किसके किसके बीच हुआ था, मुगल और इब्राहिम लोदी, किसके, ये इब्राहिम लोदी नीचे है और बाबर के बीच में हुआ था, ठीक है। उसके युद्ध का क्या परिणाम हुआ, युद्ध का ये परिणाम हुआ, वो दोनों मतलब आगरा और दिल्ली पर उसका अधिकार हो गया। अब देखिए, मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है इसमें, इस चित्र में, इस फिगर में। वन में आपका चित्र वन में जो है मुगलों को क्या दिखाया गया है, सैन्य अभियान के बारे में दिखाया गया। इसे सैन्य, इसे ध्यान, मतलब देखिए आप ध्यान से, क्या आप इसमें देखिए लंबे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप यह गौर करिए कि अफगान मुगल सत्ता के लिए वो करंट खतरा क्या था। मुगलों और अहोम, जो सिखों एवं मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों पर भी गौर करें। सफाविद, ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों का क्या अंतर था। क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण में दक्कन का युद्ध अंत हो पाया था। तो ये सब देखिए, ये आप उनके अभियान क्या थे, सबसे चलते ही रहते थे, ठीक। तो 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत में पहली लड़ाई में ढंग से प्रयोग किया था। मतलब जो तोप का, जो भारत में सबसे पहला प्रयोग कब हुआ था, वो आपका 1526 में बाबर के द्वारा पानीपत के युद्ध में किया गया था। देखिए, युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई, ठीक है। इसको जो है आपको फायर आर्म्स वेयर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रीजन सच एज द गुजरात, मालवा एंड द दक्कन एंड वाज यूज्ड बाय बाबर इन द अर्ली 16th सेंचुरी, और ये 16वीं शताब्दी में बाबर के द्वारा यूज किया गया। देखिए, ये आपके उनके बाबर्स के बारे में दिया है, जितने मतलब मुगल एम्परर्स थे उनके बारे में थोड़ा सा दिया गया है।
देखिए बाबर है 1526 से 1530 ने, इन्होंने पानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख के याद करिएगा, आपका ये सी डब्ल्यू है, हमें लिख के अभी दिखाइएगा ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। ये पूरा यहाँ से ले के यहाँ तक सब के बारे में ये लिख के हमें दिखाइएगा, और याद करना है आपको। तो 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थक को हराया। 1527 में खानवा का युद्ध में राणा सांगा और राजपूत राजाओं को समर्थक हराया। 1528 में चंदेरी राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल को नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है। उसके बाद हुमायूं जो इसका बेटा था वो आता है 1530 से 1540, ठीक है। और फिर बीच में क्या आता है, शेर शाह सूरी जो घुस आता है वो आक्रमण कर देता है। तो ये 1555 से 56 तक, ये जो है 1540 से 1555 तक ये भागता रहता है, इधर से उधर छिपता रहता है, शेर शाह सूरी से बचता रहता है। और जब 1555 में वो जो है शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, तब ये जो है क्या करता है, आता है फिर से दिल्ली का सिंहासन इसको मिल जाता है। तो हुमायूं ने अपने पिता के वसीयत के अनुसार अपने जो है पूरा जो इसको मिला था राज वो सब अपने भाइयों में बांट देता है। इसके भाई ही सबसे बड़े इसके दुश्मन थे, इसको बांटना नहीं चाहिए था, लेकिन ये क्या करे, अपने पिता के प्रॉमिस को पूरा कर रहा था। इसके पिता मरते टाइम कहे थे कि जो है क्या अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट देना और सब भाई मिल के रहना चारों भाई। तो जो है ये इसी चक्कर में इसके भाई इसके सबसे बड़े दुश्मन थे। और आपका अकबर आता है फिर, जो हुमायूं का बेटा है, ठीक है। अकबर जो है बहुत अच्छा एक शासक था, जो 1556 से 1605 तक रहा। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल में तीन अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो पहला जो उसमें 1556 से 1570 तक के मध्य अकबर के संरक्षक बैरम खां, उसका मतलब 13 साल का था उसका जो संरक्षक था, तो उसके अंडर में था, अपने घरेलू कर्मचारियों उसमें स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों की निकटवर्ती राज्यों मालवा गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी और चित्तौड़ और 1559 में रणथंबोर पर कब्जा कर लिया। दूसरा दौर इसका है 1570 से 1585, इसमें गुजरात के विरुद्ध इसने अभियान चलाया, ठीक है। और जो है फिर उसके बाद जो है तीसरा जो है 1585 से 1605 में के मध्य अकबर साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम पर अभियान चलाए गए, ठीक है। तो ये सब ये जो है इनके हैं। उसके बाद आपका आता है जहांगीर, जो अकबर का बेटा था, शाहजहां जो जहांगीर का बेटा था, औरंगजेब जो शाहजहां का बेटा था। इस प्रकार के ये दिल्ली का जो, अरे मुगलों का जो अंतिम शासक था औरंगजेब, ये क्या था, यही एक योग्य शासक कहा जा सकता है। लास्ट ये एक एबल एम्परर यही कहा जा सकता है। इसके बाद जो आए बिल्कुल वो क्या थे, आलसी और जो है अपने आप को हमेशा राज दरबार महलों में शान शौक में डूबे रहना, ठीक है, यही सब इनका काम था, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी, और जो है आप इसको पढ़िएगा, ठीक है, रिवाइज करिएगा, जो ना समझ में आए उसको बताइएगा। डैट्स ऑल, थैंक यू।